हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा पाँचवीं के व्याकरण का 14वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाक्य विचार। तो बच्चों, आप जान चुके हैं कि वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम में प्रयोग होने से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है, तो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि सूर्य रहा निकल है, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? सूर्य निकल रहा है, बच्चे हैं खेल रहे, बच्चे खेल रहे हैं, खाती घास गाय है, गाय घास खाती है। उपयुक्त चित्रों के नीचे दो दो वाक्य लिखे हैं, दोनों वाक्यों के क्या है? समान शब्दों का प्रयोग किया गया, परंतु पहले वाक्य से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसके विपरीत दूसरे वाक्य से भी वही शब्द है, परंतु उसमें कर्ता क्रिया और कर्म आदि अपने सही क्रम में आए हैं, इसीलिए इन वाक्यों द्वारा सही अर्थ का बोध हो रहा है। अब हम वाक्य की क्या करेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। तो ऐसा शब्द समूह है जिसका एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद शब्दों का निश्चित क्रम होता है। इसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, फिर आती है क्रिया। तो रजनी रोटी खा रही है, रजनी क्या है? कर्ता। रोटी क्या है? कर्म। क्रिया क्या है? खा रही है। तो कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया ही होती है, जैसे रेखा जा रही है, बच्चा सो रहा है। वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। तो वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में यही कार्य को करने वाला भी होता है, इसीलिए इसे कर्ता भी कहते हैं। जैसे रमा पढ़ रही है, हर्ष पौधों को पानी दे रहा है, मनीषा बाजार जा रही है, खरगोश गाजर खाता है। विधेय, किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में बताया जाता है उसे तो कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे विधेय। रमा पढ़ रही है, तो रमा इसमें क्या है? उद्देश्य है, और विधेय क्या है? पढ़ रही है। हर्ष पौधों को पानी दे रहा है, हर्ष क्या है? उद्देश्य, और पौधों को पानी दे रहा है, ये क्या है? विधेय। मनीषा बाजार जा रही है, मनीषा क्या है? उद्देश्य। बाजार जा रही है क्या है? विधेय। खरगोश गाजर खाता है, खरगोश क्या है? उद्देश्य। गाजर खाता है क्या है? विधेय। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं, एक तो किए गए हैं अर्थ के आधार पर और एक किए गए हैं रचना के आधार पर। पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पाँचवा है संदेहवाचक, अगला है संकेतवाचक और विस्मयादि वाचक, इच्छा वाचक वाक्य। तो ये कितने हो गए? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर सभी भेदों के बारे में हम अगली कक्षा में करेंगे, यानी इसमें सिर्फ इसके नाम दिए गए हैं। अब है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने होते हैं? 3। तो सरल वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। रोहित क्या है? उद्देश्य है, और मैदान में पतंग उड़ाता क्या है? विधेय है। तो इसका वाक्य क्या बना? इसमें क्रिया क्या है? एक ही है, पतंग उड़ाता है। तो ये पूरा वाक्य क्या बना? रोहित मैदान में पतंग उड़ाता है। अब है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का प्रत्येक उपवाक्य समान स्तर का होता है, जैसे दर्शना बीमार है इसीलिए विद्यालय नहीं आई। तो यहाँ पर दो वाक्य आ रहे हैं, पहला है दर्शना क्या है? बीमार है। दूसरा वाक्य क्या है?
विद्यालय नहीं आए, और इसलिए क्या है योजक। तो इसका पूरा वाक्य क्या बना, दर्शना बीमार है इसीलिए विद्यालय नहीं आई। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक मिश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह गुड़िया जापानी है, ये क्या है प्रधान वाक्य है। जो मैंने कल खरीदी थी, ये क्या है आश्रित वाक्य, ये प्रधान वाक्य पर क्या है आश्रित है। तो गुड़िया जो थी वो जापानी है और उसने कल खरीदी थी, तो वह गुड़िया जापानी है जो मैंने कल खरीदी थी। तो ये हमारा कौन सा पाठ था, 14वां पाठ था, जिसका नाम था वाक्य विचार, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, वाक्य के भेद जो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर होते हैं, रचना अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं उन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।